सिंह है, और आज जो एक दिन पहले मैंने रिबॉलिंग करवाया किया था और सर ने किए थे, सर ने मुझे दिखाया ये करके, और रिबॉलिंग करने के बाद उसको UEFI बॉक्स में सेट करके आपको चलाकर दिखाना है कि ये सॉफ्टवेयर में IC ठीक है या नहीं है, रिबॉलिंग सही हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम UEFI बॉक्स पे दिखाएंगे। वो सारा ऐसा सेटअप मैंने रखा है और इस पर आप सीखने के लिए मेरे पास आ सकते हैं। मेरे यहाँ ये मोबाइल, LED TV, इन्वर्टर, वेल्डिंग मशीन, ई रिक्शा मोटर कंट्रोलर, चार्जर, कोई भी कंट्रोलर हो, कोई भी चार्जर हो, पूरी तरह से सिखाते हैं, तो उसको सीखने के लिए आइए। और ये हम जो सिखा रहे हैं अभी मोबाइल में, मोबाइल का जो रिबॉलिंग करके UEFI बॉक्स में चला कर मोनिटर में, TV कंप्यूटर में, तो इसको आप देखिए, पूरी तरह से समझिए। अगर आपको मेरे चैनल पे जरा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको इसे ऐसी ऐसी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि अगर दूसरी वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहले से नोटिफिकेशन पहुँचेगी। तो ये चीज़ है जो आप करके रखिए। अगर आपको सीखना है तो मेरे लिए कॉल कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो देखकर सीखना है सिर्फ, तो आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी कैसे रिबॉलिंग के बाद IC को चेक किया जाता है कंप्यूटर में। चलिए देखिए, तो सर ये कर रहे हैं, ये MCIC का ये अडाप्टर है, ये अडाप्टर को इस तरह से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ दबा के ऐसे खोलते हैं, ये लॉक होता है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि इस IC का ये स्लॉट बना है कि नहीं बना है, डिजाइन का सेम, जैसे मतलब तो ये IC जो है इसका जो डिजाइन है, मतलब ये बॉलिंग का जो ये तरीके, बॉलिंग किया हुआ जो पिन है वो किस तरह से बैठेगा, किस में बैठेगा, उसके उसी साइज में इसको रखना है, है ना। तो ये दो साइज है, ये दोनों साइज में इसमें मिल रहा है ना, इसमें मिल रहा है, तो मतलब इधर का नहीं मिल रहा है, इधर का नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें मिल रहा है। तो देखिए अभी जो सर बैठाए हैं इसमें, ये देखिए इसमें जो इसका जो सुराख बना हुआ है, ठीक उसी तरह से उस इस तरफ भी था, तो इसमें जो हमने सर को, सर ने बैठा दिए और ये काम नहीं, ये नहीं हिल रहा, एक बार हिलाना जरा इसको सर, नहीं हिल रहा, तो ये नहीं हिल रहा है, वो इसी तरह से आपको इसमें भी बिठाना है। तो अभी हमने इसमें सेट कर लिए है और सर अब इसको कंप्यूटर में जोड़कर जो है चलाकर दिखाएं, ऐसे जो है इसको आराम से इसको बंद कर देना है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं तो ये बंद हो जाता है, इसको ऐसे दबा देना। अच्छा, ये मतलब लॉक लग गया, लॉक लग जाए। ठीक ठीक है, ठीक है, तो ये लॉक हो गया। अब हमें क्या करना है, UEFI बॉक्स को कनेक्ट करना है। UEFI बॉक्स को इसके पोर्ट में कनेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, अगर आपको कंप्यूटर में अपना रिबॉलिंग IC चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, सर पूरी तरह से बता रहे हैं। और आपको ये हमने UEFI का जो इसमें इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके आइकॉन पर हमें क्लिक करते हैं, UEFI ये देखिए ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया, और इसके बाद इसका थोड़ा सा ये अभी चल रहा है, एक मिनट रुक जाइए, पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। अभी खुल रहा है, अभी खुलना बाकी है, ये मॉनिटर में आ रहा है जो वॉपिंग हो रहा है, ये खुल गया, ये ओपन हो गया, और ये कर देते हैं तो ये ओपन हो गया है। तो अब हम इसमें, इसमें हमने पहले कोई IC चेक किया हुआ था तो उसका ये रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, पहले जो चेक किए थे उसका रिजल्ट आ रहा है। अब ये तो अपना इसे कनेक्ट करना है तो यहाँ इसमें इस IC का जो हमने इसमें सेट किए थे लगेगा। अच्छा, ये अब ये IC जो अभी को जो हमें चेक करना है वो IC इसमें कनेक्ट हो गया है।
ये यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ तो इसी में ये सेट रहेगा। अच्छा, और यहाँ पे जो साइड में इधर राइट साइड आपको ऊपर कॉर्नर में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आइडेंटिफाई EMMC। अच्छा, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट है ये आएगा सामने। ये देखिए अभी जो इसमें आइडेंटिफाई जो यहाँ लिखा हुआ है कोने पे, इसको ओके करने के बाद ये उसका सारा लिस्ट आ गया है। अब ये IC मतलब ओके है, IC ओके है, तो ये सारा कुछ इसका डिटेल आ गया इस IC का। अच्छा, ये यूजर एरिया 7.2 GB है, 12 GB है, कैश साइज 64 MB है, ठीक है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 00 है, नो बूट टेक्नोलॉजी सेंट डिफ़ॉल्ट है, डिवाइसेस बूट एनेबल्ड है, ठीक है, और डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल है, ठीक है, मतलब किसमें पार्टी पूरी तरह से ओके है IC, है ना, मतलब बॉलिंग जो किए IC देखिए किस सेट का है वो भी ये बता देता है। सैमसंग मॉडल का ये IC है, SM J210F, मतलब सैमसंग J2 मॉडल का ये IC है, ठीक है, मैन्युफैक्चर इसका सैमसंग है, ब्रांड सैमसंग है, मॉडल पूरा दे रहा है, और इसका बिल्ड मॉडल क्या है SM, मतलब ये पूरा सैमसंग कंपनी ने ही डिजाइन। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से आपको अपना IC चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये कंप्यूटर और ये एक UEFI बॉक्स होना चाहिए जो मैं बेचता हूं। अगर आपको ख़रीदना है तो हमारे से UEFI बॉक्स ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और सबसे सस्ता रेट होगा। ऐसा नहीं कि आपको मैं बेच रहा हूं तो बहुत महंगा होगा, ऐसा नहीं है, जो मार्केट में रेट होगा उससे के उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देखे सर ने कैसे कंप्यूटर में आपको बॉलिंग IC किया हुआ कैसे चलाकर दिखाया है, आपको रिबॉलिंग करने के लिए सिखाते हैं हम, और ये IC में चेक करने के लिए भी सिखाते हैं कंप्यूटर में। तो आप हमारे पास आइए, सीखिए, कोई भी कमी हो मुझे बताइए, 100% उसका सलूशन देंगे। कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग जो सिखाते हैं और जो बहुत से ऐड दे रहे हैं उनका ज़्यादा अच्छा सिखाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो वो सिखाते हैं एक उन्हें जितना भी वो सिखाएंगे वो सारी चीज़ हम लोग सिखाते हैं, और वो बस ऐड ज़्यादा कर रहे हैं, हम लोग का ऐड कम है। तो आप ऐड पे मत जाइए, आपको सीखने पे जाइएगा कि जो भी सीखेंगे आप 100% आपको परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कोर्स में हाँ हो गया और कुछ पता नहीं चला। तो आपने रिबॉलिंग के बारे में देखें और सॉफ्टवेयर कैसे इसमें चेक किया जाएगा कि इसमें रिबॉलिंग किया हुआ ऐसे सही है कि नहीं है, कैसे उसका चालू होगा, ये सीखें इस वीडियो में। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। अभी आपको LED TV इन्वर्टर इन सबका वीडियो आएगा, आप देखिए सीखिए। अगर आपको सीखना है मेरे से तो आप मेरे पास आइए, और नहीं तो आप मेरे वीडियो में बनकर बने रहिए, देखिए सीखिए। थैंक यू दोस्तों।